तो इस वक्त क्या स्थिति है और किस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पर? देखिए, कर्नाटक में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं उस पर यहां से नजर बनाए रखे हुए केंद्रीय आलाकमान और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में रामलाल, जो कि संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक अहम बैठक ले रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के तीन बड़े नेता बैंगलोर गए हैं, वो बैंगलोर पहुंचते ही सारी कवायद को वहां पर प्रारंभ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस मैटर में राज्यपाल की जो भूमिका है वो अहम है, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसलिए जो परंपरा रही है उसके अनुसार बीजेपी को सबसे पहले मौका दिया जाए वो, ताकि अपना जो ताकत है वो राज्यपाल को बता सके कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन राज्यपाल ने किसी भी पार्टी के नेताओं से फिलहाल मिलने से इनकार किया है। उनका ये कहना है कि जब तक चुनाव आयोग के आंकड़े बाहर नहीं आ जाते और एक्चुअल स्थिति किसकी कितनी है वो साफ नहीं हो पाती, तब तक वो किसी पार्टी के नेता से नहीं मिलेंगे। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी और जेडीएस का जो आपसी तालमेल है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कितने मंत्री होंगे, कितने डेप्यूटी सीएम होंगे, यहां तक बात पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम बात यह है कि क्या वो जेडीएस के खेमे में सेंधमारी कर पाएगी या नहीं, इस पर पूरी बात टिकी हुई है। क्या जेडीएस के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, केंद्रीय आलाकमान उन पर भी नजर बनाए हुए है। अब देखना यह है कि दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही हैं कि किसी तरीके से कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, और अमित शाह यहां पर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी फिलहाल हार नहीं मान रही है, क्योंकि जो विधायकों की संख्या उनको चाहिए सरकार बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में जेडीएस के कुछ ऐसे विधायकों के संपर्क में बीजेपी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो बीजेपी के नेताओं से फिलहाल इस वक्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच विनोद जी, क्या आपको लगता है कि कैसे सत्ता पर काबिज हुआ जाए? इस दिशा में लगातार बीजेपी भी प्रयास कर रही है, सिर्फ 7 सीटें पीछे है। कांग्रेस भी प्रयास कर रही है जेडीएस के साथ मिलकर, लेकिन जेडीएस के जो तमाम विधायक जीत रहे हैं या जीत चुके हैं, कैसे जेडीएस के मुखिया उनको एकजुट बनाकर रखें अगले 24 घंटे या 48 घंटे सबसे ज्यादा मुश्किल भरे कुमारस्वामी के लिए? देखिए, एक तो पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि कुमारस्वामी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है कि 5:30 से 6 बजे के बीच में जी वो मिलेंगे, और उन्होंने उसमें लिखा है उस चिट्ठी में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमको सपोर्ट दिया है और वो मैं आपके सामने आकर के उस पर मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये उन्होंने लिखा है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जेडीएस ने ये निर्भर करेगा कि जिन लोगों को टिकट दिया था वो कितने वफादार थे देवगौड़ा के प्रति, कुमारस्वामी के प्रति, नंबर एक। अक्सर दल बदलुओं को भी टिकट दिया जाता है और दल बदलू हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, तो वो अगर वो कितने मजबूत हैं जेडीएस साथ रहने पे, एक। दूसरा, क्या अमित शाह और कुमार स्वामी की जो चुनाव से पहले जो नजदीकी थी उसके तहत कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी ने कुछ अपने लोगों को टिकट दिला दिए हूँ जी, मान लीजिए 8-10 लोगों को, जो तो मतलब ये चुनौती कहीं कुमार स्वामी के सामने ज्यादा तो होगी, इसलिए हो सकता है वो विधायकों को समय काम आ जाए। तो ये सब चीजें कुमार स्वामी को और देवगौड़ा जी को देखनी पड़ेंगी। और एक और चीज है जी, देवगौड़ा जी के घर में कुमार स्वामी के जो भाई रेवन्ना है, उनका उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारती हैं, तो कहीं वो कोई गड़बड़ न कर दें। तो ये सब किला जो जनता दल एस का है उसको अभी अपने सारी चीजें चाक चौबंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें सेंध लगाने की। और ये फैसला अकेले जेडीएस का होगा क्या? क्योंकि जब हम जेडीएस 38 बता रहे हैं तो ये जेडीएस प्लस है, यानी कुछ और राजनीतिक दल हैं जो जेडीएस के साथ। बिल्कुल, तो कहीं जेडीएस के सामने मुश्किलें कुछ और ज्यादा होंगी या ये पहले से तय है कि आपको कांग्रेस के साथ जाना है? नहीं, देखिए, पहले से तो तय ये नहीं था कि कांग्रेस के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है। पहले से तो ये तय था, ज्यादा झुकाव तो ये था कि चूंकि देखिए वहां देवगौड़ा परिवार में भी दो तरह की धाराएं हैं। देवगौड़ा जी जो है एस डी देवगौड़ा, उनकी पूरी राजनीति चूंकि सोशलिस्ट मूवमेंट से और जनता दल से, जनता पार्टी से शुरू हुई, तो वो एक एंटी बीजेपी सोच के हैं और वो सेकुलर मिजाज के हैं, इसीलिए। और उनकी सरकार जो है, आप याद करिए, कांग्रेस ने जब गिराई थी सीताराम केसरी समर्थन वापस लिया था और बीजेपी ने भी उनके खिलाफ वोट दिया था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था आई एम हम्बल फार्मर एंड बैक टू द पीपल एंड कम बैक अगेन, ये भी उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ उनके मन में एक रहा है, लेकिन कुमार स्वामी के अंदर कोई वैचारिक आग्रह या वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। वो सीधे सीधे सत्ता की राजनीति का खेल खेलते हैं। वो पहले भी एक बार बीजेपी के समर्थन से 20 महीने मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के, तो उनको बीजेपी के साथ जाने से कोई परहेज नहीं था।
तो इसीलिए उन्होंने जो चैप्टर खोला था बीजेपी के साथ वो जग जाहिर था वहां पर। देवगौड़ा जी बराबर उसको मना करते रहे, उन्होंने यहां तक कहा था, इंटरव्यू दिया था कि अगर कुमारस्वामी बीजेपी के साथ गए तो मैं उन्हें डिसओन कर दूंगा। रेवन्ना जो है उनके कांग्रेस नेताओं से बड़े अच्छे संबंध है, उनके बारे में माना जाता है, सिद्धारमैया से बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती है, बड़ी मित्रता रही है। तो ये इस तरह से का एक विभाजन देवगौड़ा परिवार में भी है। ऐसे में जी ये तय नहीं था कौन साथ जाएगा, लेकिन ज्यादा सुविधा ये थी कि शायद बीजेपी के साथ जाने पे उनको उम्मीद ये नहीं थी बीजेपी 100 क्रॉस कर जाएगी। हाँ। अंदाज ये लग रहा था बीजेपी और कांग्रेस दोनों 80-80 पे आगे रुक जाएंगी, और उसके बाद जो दांव बनेगा उसके हिसाब से आगे लेकिन बढ़ा जाए। अब जो स्थिति हो गई उसमें कांग्रेस के साथ जाने में उनको फायदा ज्यादा है अगर अपना किला बचाए रख सकते। जयशंकर जी, आपको लगता है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे जेडीएस अपना किला बचा कर रखे, ये चुनौती जेडीएस के सामने कहीं ज्यादा है, कुमारस्वामी के सामने कहीं ज्यादा है? नहीं, कुमार स्वामी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी अपने विधायकों को एकजुट रखने की होगी जी। जो उनके विधायक जीत के भी आ रहे हैं उन विधायकों को एकजुट रखना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की निगाह अब उसके पास एक ही विकल्प है कि अगर जनता दल एस उसके साथ गठबंधन में नहीं आता है तो जनता दल एस को तोड़ दिया जाए। हो सकता है कि एच डी देवेगौड़ा के जो दूसरे पुत्र हैं जो विधायक चुने गए हैं एच डी रमन्ना, उनको उप मुख्यमंत्री का लालच प्रलोभन दे करके कुछ तोड़फोड़ कराई जाए। हालांकि जो दलबदल विधेयक कानून है उस कानून के तहत 2/3 विधायकों का समर्थन जरूरी है, तो 2/3 विधायक रेवन्ना के साथ जा पाएंगे ये सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन कुमार स्वामी के लिए सबसे बड़ी जरूरत आज यही होगी कि अपने सारे विधायकों को एकजुट रखें, एक साथ रखें, और जो फैसला उन्होंने ले लिया है कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का उस फैसले पर कायम रह पाए, क्योंकि उनके विधायक अगर टूटे। ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ್ರಿಂದ